नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका स्टेबल जंगे के नए एपिसोड में। तो कैसे हैं भाई लोग? गपा गप, फुल वकाली आ गए भैया, आ गए। सुना है गुंडागर्दी में बहुत नाम कमाया, कभी दुश्मनों को फाड़ा, कभी दुश्मनों को काटा, दिखने में तो तू नाटा, पर तेरा नाम है लंबू आटा। तो दोस्तों, बैंकॉक के लिए हम निकली गए थे, 1:35 की मेरी फ्लाइट थी नॉकस्कूट की। क्या हुआ, रात को सब लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए अपने टाइम से, तो इन केस फ्लाइट कैंसिल हो गई। उन्होंने खाने पीने का रिकमेंडेशन दिया है। भाई साहब, होटल एकदम ऐसा जबरदस्त दिया ना, एकदम तुम्हारा करिज्जा हरियर हो जाए। मतलब ये देखो, बेड वगैरह है, देख सकते हो पूरा। यहाँ पे लैपटॉप वगैरह, यहाँ पे मैं अपना टांग पसार के बैठा भी हुआ हूँ। एटीवी में नेट, यूट्यूब वगैरह सब कुछ चलता है, देख सकते हो आप। और इधर आगे की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे सामान वगैरह जो भी आप अपना रख सकते हो। ये बेड है, यहाँ पे फुल घपा घप हो सकता है, लेकिन मैं तो अकेला हूँ। और इधर की ओर मेरे चलेंगे तो आप, ये बाथरूम एरिया है, यहाँ पे आप वॉशिंग एरिया है। और इधर लॉकर वगैरह, देखिए लॉकर है, यहाँ पे लॉक करके पिन वगैरह डाल सकते हैं। और ये पूरा देख सकते हैं आप, यहाँ पे कपड़े जूते चप्पल रखने के लिए, अगर आप इस्त्री करना चाहें तो कपड़े इस्त्री भी कर सकते हैं। इधर की ओर मेरे आप देखेंगे तो ये हग्गा है, ये लेटरिन वगैरह है। और यहाँ पे भी एक वॉश बेसिन और दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बेड है, ये बेड का व्यू देख लीजिए आप। ये बेड है, ये आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है, ये हॉल एरिया है, यहाँ पे आप बैठ के गपशप लड़ा सकते हैं। और ये किच इधर की ओर, ये रैक वगैरह है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज, या यहाँ पे अपना कुछ कुकिंग वगैरह करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। पूरा अच्छे दिया हुआ है। आप ये बर्तन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें बर्तन वगैरह ले लें पूरे। और ये वॉशिंग मशीन, अगर आपको गर्म पानी पीना है तो इसमें गर्म पानी है, यहाँ पे टेल लगा दें, पी लें, इतना तो आता होगा आपको। बस बाकी यही है। होटल काफ़ी अच्छा रूम है, अंदाज एयरपोर्ट के पास ही होटल है अंदाज। यहाँ एक दिन रुकने का टैरिफ पता है, मैं एक बार ट्रिप पे कितना दिख रहा है, 12,000 रुपये एक रात का। तो हमने बोला भैया, हमारे अवकाश से तो बाहर है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है तो देखो कैसे कैसा मिल रहा है एकदम। और ब्रेकफास्ट का वैसे टाइम हो गया है, तो चलिए चलते हैं हम आपको ब्रेकफास्ट की टेबल पर, और ब्रेकफास्ट करा देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। भाई लोग हैं, फुल वोकाली कर रहे हैं इधर, शानदार से बोले जिंदा मत। कैसा लग रहा है एकदम? फन फन लोडो फन, पहली सबकी है, पहली बार सुरेश जी से मिले, इतने मशहूर बंदे हमारे को पहली बार मिले। अरे सर, मशहूर तो आप लोगों ने किया यार, बिना आप लोगों के प्यार के कैसे होता? आपका बड़ा प्यार है, बहुत अच्छा नेचर है इनका, फ्रेंडली, हर बंदे को लेटेस्ट चीज दिखाते हैं, बताया कैसे जाना, बताया कैसे आना, जाना कैसे। हमारा ब्रेकफास्ट अभी कंप्लीट हो चुका है, कैसा लगा आपको ब्रेकफास्ट? बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। कैसे आ गई सर्विस लगी? बहुत, एक आध दो दिन और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं बैंकॉक में नहीं हूँ। मजा आ गया। हाँ, लंच अभी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे दिल्ली के होटल अंदाज से अपना लंच करके निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो
तो सबसे पहले ये देखिए मैंने अपना पासपोर्ट ले लिया है और रिटर्न टिकट आप प्रिंट आउट ले लें, होटल वाउचर भी प्रिंट आउट ले लें, कैश अपने पास रखें, यहाँ पे चेक नहीं होगा अंदर चेक होगा। तो चलिए अब लाइन में जाते हैं हम सिक्योरिटी चेक के लिए और दिखाते हैं आपको। हमने अपना यहाँ से बोर्डिंग पास ले लिया है और अब हम जाने हैं इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक के लिए। तो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो मैं आपको मिलता हूँ इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं हमने अपना इमिग्रेशन और सुरक्षा जांच करवा लिया और अभी हम जा रहे हैं सिर्फ अपना बोर्डिंग गेट की तरफ। जैसा कि हम जा रहे हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ खाएंगे, अगर फ्री का मिल रहा है तो भाई खाएंगे ही खाएंगे यार, क्यों नहीं खाएंगे, फुल भोकाली करेंगे ना। दिस टी इज 16 लाख रुपीस पर केजी, वी सेल इट बाय ग्राम्स, सो दैट इज अबाउट इफ यू बाय 50 ग्राम्स व्हिच इज द मिनिमम क्वांटिटी यू कैन बाय, दैट इज फॉर 68। तो दोस्तों 3 घंटे सोने के बाद अब फाइनली हम बैंकॉक के डॉनबुंग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब चलिए अब यहां से बाहर निकलते हैं इस प्लेन से और दिखाते हैं आगे की प्रक्रिया। सो दोस्तों जैसा कि 3 घंटे की फ्लाइट की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं बैंकॉक के डॉनबुंग एयरपोर्ट पे। चलिए सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं और फिर दिखाते हैं उसके आगे की। और हैं एक चीज़ और बता दूँगा, यहाँ अगर फ्रेश होने अगर आप जाएं तो यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे भाई वो धोने वाला का सिस्टम नहीं है। ये जो वॉशरूम मैंने देखा है यहाँ पे सिर्फ आपको पूछ के काम चलाना पड़ेगा, अनकम्फर्टेबल लगेगा तो बॉटल लेके जाना भैया। ठीक है अब चलिए, जैसे यहाँ देखिए वहाँ से बाहर निकले वॉशरूम से, अब यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैं अपने हर ब्लॉग में बता रहा हूँ कि आप ये जो फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है उसको अपने इंडिया से ही भर के लाएं। आप देख सकते हैं पूरे यहाँ तक फॉर्म के लिए, कोई फोटो के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ ये फॉर्म आप इंडिया से ही भर के लाएं, इंटरनेट से गूगल से डाउनलोड कर लें। ठीक है तो चलिए मैं भर लेता हूँ। दोस्तों जैसे अगर आपको इमरजेंसी होते हैं यहाँ से आप मनी एक्सचेंज या फिर एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, तो अगर आपका इंटरनेशनल वीज़ा क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। जब इमरजेंसी हो तभी निकालेगा और थोड़ा सा निकालेगा जितने की ज़रूरत ही हो। ठीक है ज़्यादा यहाँ से मत निकालेगा, ज़्यादा यहाँ से करेंसी एक्सचेंज मत करेगा क्योंकि यहाँ पर रेट बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है आप बाहर से कहीं से भी करा लीजिएगा। देखो इमरजेंसी हो तभी यहाँ से पैसा निकालें या जितने की ज़रूरत हो उतनी करेंसी एक्सचेंज कराएँ। इमिग्रेशन और वीजा ऑनरल्स की जो प्रोसेस होती है वो सारी प्रक्रियाएँ कंप्लीट हो चुकी हैं और देख सकते हैं हम बाहर आ चुके हैं और बाहर यहां से आप सिम ले सकते हैं, यहां पे ट्रू मूव एच का सबसे अच्छा सिम है। और यहां पे देखिए गेट नंबर 6
6, ये गेट नंबर 6, यहीं से आपको मोचित के लिए बस मिलेगी, ठीक है। तो आप जैसे बाहर निकलेंगे आपको ये गेट नंबर 6 याद रखना है, यहीं से आपको मोचित के लिए A1 बस मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि हम 3 बजे आ गए थे, हमारी फ्लाइट लैंड कर गई थी, होते करते 4 बजे आते हमें बाहर निकलते हैं। अब 2 घंटे हमने एयरपोर्ट पर वेट किया और अभी 6 बजे हम ये बस लेके जा रहे हैं मोचित, और इसके बाद मैं मेट्रो लूँगा मोचित के लिए। जैसे आप डॉन बोन से A1 बस लेके इस मोचित 30 भात में इस मोचित मेट्रो स्टेशन आएंगे, तो मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ पे ये देखिए मोचित का ऊपर जाने का गेट है, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, वहाँ से टोकन वगैरह लेंगे। तो दोस्तों जैसा देख सकते हैं ये टोकन काउंटर, यहाँ से हम मेट्रो में सफ़र करने के लिए कार्ड या टोकन बनवा सकते हैं, यहाँ कार्ड चलता है। जैसे मैंने यहाँ से मोचित से जैसे समझिए डॉन मोंग से A1 बस लेके मैं आ गया 30 भात में या मोचित मेट्रो। अब मोचित मेट्रो से मैं अब दे रहा हूँ टिकट, अब जाऊँगा मैं कहाँ, कोंचित मेट्रो, ठीक है। तो ये कार्ड पड़ा है मेरे को कोंचित मेट्रो का कार्ड 44 भात में, मतलब डॉन मोंग से मोचित बस से आने का A1 बस का किराया है 30 भात और यहाँ से मोचित से कोंचित जाने का 44 भात, ठीक है। बैंकॉक मेट्रो बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं फुल इंच, ये मेट्रो का नज़ारा है आप देख लीजिए। सो दोस्तों जैसे ही आप फुल इंच मेट्रो पे उतरेंगे तो आपको ऐसा इधर आएगा, ये गेट आएगा, यहाँ से उतरेंगे आपको इस तरफ जाना, देखिए इस तरफ ये ब्रिज बना है ना, इधर से उधर जाना है, पहली गली दूसरी गली, ठीक ना, रेलवे क्रॉसिंग आएगा उसके बाद दूसरी गली आएगी, रेलवे क्रॉसिंग के बाद जो आपके लेफ्ट साइड में जो गली मुड़ी हुई उस गली मुड़ जाएगा, राइट साइड में सुलेमर पार्टी हॉस्टल आ जाएगा। तो चलिए लेके चलते हैं। आप फोनचित मेट्रो पे उतरेंगे तो आप यहाँ से सीधे इधर से आएंगे, ठीक है, सीधे इधर से आएंगे तो आप यहाँ सब देखिए सुलेम्बर पार्टी हॉस्टल का बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको 20 मीटर अंदर जाना, ये देखिए अंदर जाना है, वो देखिए वहाँ पे सुलेम्बर पार्टी का बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी कोंचित मेट्रो स्टेशन से पैदल चल के ये आ गया हूँ अपने सुलेम्बर पार्टी हॉस्टल, ये सुलेम्बर पार्टी हॉस्टल है और यहाँ पे सुलेम्बर पार्टी हॉस्टल का मेन गेट है और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए है और नीचे यहाँ पे पार्टी वगैरह होती भी सुबह सुबह, तो भी ज़्यादा कुछ क्राउड नहीं है, इसलिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अंदर आप पहुँच के आप यहाँ पे अपना चेक इन वगैरह कर लेंगे, जो भी आपका चेक इन करना है, पासपोर्ट जमा करेंगे और आपका 200 बार डिपॉजिट लें, अगर पासपोर्ट जमा करेंगे तो डिपॉजिट नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जमा करें, चेक इन करने के बाद आप अगर पब करने वाले आप करना चाहें तो इस प्रकार का फॉर्म है, ये पब करने वाला है और यहाँ से इस प्रकार ऊपर जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ सीढ़ी से। जूता स्टैंड है, यहाँ सबसे पहले आप अपने शूज वगैरह उतार लेंगे और ये यहाँ का ये लॉबी एरिया है।
ये सुलेम्बर पार्टी का लॉबी एरिया है, यहाँ पे आप बैठ के अपना टाइम पास एंजॉय अगर मौज मस्ती कर सकते हैं। और इधर की ओर ये किचन एरिया है, यहाँ पे अपना कुछ अगर खाना बनाना चाहें, छोटी मोटी चीज़ें तो बना सकते हैं। और यहाँ पे अपना रख के खा भी सकते हो, टेबल लगा हुआ देख सकते हैं। और ये फ्रिज है, फ्रिज में आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर रूम किस प्रकार। तो दोस्तों जैसे ही आप सुलेमन पार्टी हॉस्टल के चेकिंग करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार रूम बने हुए हैं। इधर की और ये वॉशरूम एरिया है, यहाँ पर आप फ्रेशन अप हो सकते हैं। और इधर की ओर आप देख सकते हैं ये है वॉशरूम एरिया, यहाँ पे आप नहा सकते हैं, दो हैं, यहाँ पे शावर ले सकते हैं, नहा सकते हैं। वॉशरूम वगैरह देख लिया आप, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि किस प्रकार आपको 300 भात में, 300-400 भात में वन नाइट के लिए बेड मिलेगा, इसके बेड कैसे होते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सुलेमन पट्टी हॉस्टल के रूम के अंदर। तो इस प्रकार ये गेट यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ के लिए जैसे आप चेक इन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा, यहाँ कार्ड यहाँ पे आप टच करेंगे तो गेट खुल जाएगा, उसके बाद आप अपने रूम में एंटर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप सुलेमर पार्टी हॉस्टल के अंदर चेक इन करके अपने ड्रॉम रूम में आएंगे तो इस प्रकार ये बेड बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप आराम से लेट सकते हैं, गद्दे काफ़ी मज़ेदार हैं, मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ, काफ़ी मज़ेदार गद्दे हैं। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है, वहाँ पे आप अपना फ़ोन लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। बाहर के ड्रिंक अलाउड नहीं है, खाना भी अलाउड नहीं है बाहर का, ऐसे ड्रोम में खाना बाहर खा सकते हैं आप। और यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है, टर्म कंडीशन, यहाँ पे मतलब घपा घप वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि शेयरिंग रूम है, यहाँ पे लड़कियाँ भी रहती हैं और मतलब और लड़के भी रहते हैं, तो मतलब मिक्स है, सब लोग रहते हैं, यहाँ पे घपा घप वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है टर्म्स कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर की ओर लॉकर है, यहाँ पे आप अपना सामान, बड़ा बैग रख सकते हैं और कीमती सामान के लिए देखिए छोटा बैग है, इसमें लॉकर चाबी आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे अपना छोटा कीमती सामान रख सकते हैं। तो इस प्रकार है दोस्तों ये सुलेम्बर पार्टी हॉस्टल का ये ड्रॉम रूम शेयरिंग, और सबसे अच्छा पार्टी हॉस्टल है बैंकॉक में। थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब 300-400, अगर डायरेक्ट भी आप आके यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं 300-400 भात में आपको वन नाइट के लिए बेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हाँ आके आप अच्छा फील करेंगे, आपको नए दोस्त बन जाएंगे, नए लड़कियों के साथ पार्टी वगैरह इंजॉय, पब कार्निवाल वगैरह ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको एक अच्छा माहौल रहता है, आपको अच्छा मतलब मूड बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सुलेम्बर पार्टी हॉस्टल। आपको एयरपोर्ट से आप स्वर्णभूमि पे उतरें या फिर चाहे आप डॉनमोंग पे उतरें, डॉनमोंग पे उतरेंगे, डॉनमोंग एयरपोर्ट से अपनी इमिग्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद गेट नंबर 6 से बाहर निकलेंगे, वैसे ही आपको बस मिल जाएगी। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक बस चलती है, और उसके बाद आप बस लेके 30 भात में मोची उतर जाएंगे, और मोची से फिर मेट्रो ले लेंगे, पैदल ही चलना पड़ेगा, मतलब 10-20 मीटर मेट्रो आ जाएगा, मोची से मेट्रो लेंगे फोइनचित के लिए, तो आप फोइनचित उतर जाएंगे, फोइनचित उतर के आप यहाँ पे 100 मीटर दूर चलेंगे तो आपको ये आ जाएगा ये सुलेम्बर पार्टी हॉस्टल, तो यहाँ आप आराम से रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रकार आप बैंकॉक में सस्ते में दो दिन रुक सकते हैं यहाँ पे 300-400 भात पर नाइट के हिसाब से, ठीक है। रेट अप डाउन होते रहता है क्योंकि अगोडा या booking.com ये सब वेबसाइटों से आप चेक कर लें। सो दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने हॉस्टल, और अब दिख रहा है मेरे को बेड, तो चलिए अब मैं सामान वामान रखता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, नहाता हूँ और फिर सोऊंगा, और मिलता हूँ आपको शाम को भौकाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ।